हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख बेस स्टडी। आज अमाल कमीशन का लेक्चर नंबर 12 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमाल कमीशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज का सम जो होने वाला है थोड़ा सा हटके, जस्ट बिकॉज ऑफ एक छोटा सा एडजस्टमेंट। एंड यहाँ पे दो कंपनी दिख रही है, गैलेक्सी एंड जेमिनी। इसमें से एक कंपनी दूसरे को एब्जॉर्ब करने वाली है और दोनों कंपनी का बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान से करना, सम बहुत है तो इजी, पर खाली वो पीसी का कैलकुलेशन समझना है आपको। Following is a summary balance sheet of Galaxy Limited and Gemini Limited as on 31st March 2017. Galaxy का balance sheet दिया हुआ है, Gemini का balance sheet दिया हुआ है। Gemini Limited agreed to absorb Galaxy Limited. तो पहला बात तो ये है, कौन सी पुरानी और कौन सी नई कंपनी है? Gemini Limited agreed to absorb Galaxy Limited. तो पुरानी कंपनी गैलेक्सी, नई कंपनी जेमिनी। लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं, कंसेप्ट कि भाई अपने को इतना समझ में आया कि जेमिनी कंपनी ने गैलेक्सी को एब्जॉर्ब किया है, मतलब ये नई कंपनी है और ये पुरानी कंपनी है। तो पीसी कौन किसको देगा? जेमिनी पीसी किसको देगा? लॉजिक क्लियर है? ऑलरेडी उसका बैलेंस शीट है, वो तो पुराना उनका बैलेंस शीट हो गया। उसके अलावा जब वो गैलेक्सी को एब्जॉर्ब करेगा तो गैलेक्सी का भी असेट्स और लायबिलिटीज आएगा, वो भी उसके अपने असेट्स में ऐड करेगा और उस तरह से उसका नया बैलेंस शीट बनेगा। किसका? जेमिनी का, गैलेक्सी का नहीं। बराबर है? अपने को क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेमिनी। जेमिनी मतलब नया कंपनी, नए कंपनी में जर्नल एंट्री आता है। Prepare balance sheet after absorption, assuming that the foreign project reserve, अच्छा export profit reserve, statutory reserve already maintain करते, तो ये भी भाई साहब ने maintain करने बोला है 3 साल के लिए। Assuming that amalgamation in the nature of purchase method, business purchase method है, ठीक है। अभी इतना है कि अपने को नए कंपनी का journal entry और नए कंपनी का balance sheet prepare करना है। चलो PC के पीछे भागते हैं। Gemini Limited कहता है कि मैं आपको 1 शेयर, जेमिनी लिमिटेड शैल गिव 1 शेयर ऑफ 10 each एट ₹35 पर शेयर फॉर 3 शेयर हेल्ड इन गैलेक्सी लिमिटेड। जेमिनी लिमिटेड कह रहा है 1 शेयर दूंगा, कितने शेयर्स है तो 3 शेयर। किसमें? गैलेक्सी में। इधर तक तो सब नॉर्मल था, 10 के जगह में ₹35 में भी देगा ये भी बोला, चलो ठीक है। द अमाउंट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ द शेयर्स, नॉर्मली शेयर्स कभी फ्रैक्शन में आता नहीं है, मतलब पॉइंट में नहीं आता है। तो जितना भी शेयर्स पॉइंट में आएगा, द अमाउंट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ द शेयर्स शाल बी पेड इन कैश। मतलब जितने भी शेयर्स पॉइंट के बाद आने वाले हैं, उन सारे पॉइंट्स के बदले में आपको हम कैश देंगे। To be calculated as per the market price of the shares of Gemini. जो भी market price हमारा shares का चलता रहेगा, उतना ही हम आपको payment करेंगे cash में। और market price क्या है ये मालूम नहीं है, अभी तक नहीं मालूम, आगे दिया रहेगा तो अच्छी बात है। But fraction of shares का जो भी आएगा उसके बदले में अपने को cash मिल रहा है, मतलब वो भी PC है और एक के बदले में, सॉरी 3 के बदले में एक, ये भी PC है। मालिक की बात करूँ तो एक ही मालिक है, तो मतलब यही पहला लाइन PC था। बराबर? अरे हाँ, आगे स्टॉक ऑफ गैलेक्सी जो कंपनी बंद हो रही उसके स्टॉक के बारे में बोला है। इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹7,500 परचेज फ्रॉम जेमिनी लिमिटेड। इसका पीसी से कोई लेन देन? विच इज हैज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। हाँ ठीक है भाई, देख लेंगे। डेटर्स ऑफ जेमिनी जो नई कंपनी उसके डेटर्स है, जिसमें 2,500 अमाउंट फॉर द गैलेक्सी है, बट द क्रेडिटर्स ऑफ गैलेक्सी इंक्लूड 2,000 में। अच्छा, डेटर्स और क्रेडिटर्स ऐसा एडजस्टमेंट भी हमने पहले किया हुआ है, मतलब इनका पीसी से तो कोई लेन देन नहीं है। जब आएगा तब फुर्सत से सॉल्व करेंगे। आगे आगे बढ़ते, द शेयर्स ऑफ जेमिनी लिमिटेड आर कोटेड इन अ मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 45 पर शेयर।
मार्केट प्राइस मिल गया, कितना है मार्केट प्राइस? 45। ठीक है ठीक है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। क्वेश्चन आपके सामने पूरा, पहले पीसी का कैलकुलेशन करते, ध्यान दो। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या बोला है? तीन शेयर्स है, एक शेयर मिलेगा। तीन शेयर्स अगर है तो कितने शेयर्स मिलेंगे? जरा देखो अपने पास, गैलेक्सी के पास 5,000 शेयर्स के बदले में कितना मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर राउंड अप नहीं करना है। उसने कहा था कि जो भी फ्रैक्शन यानी कि जो पॉइंट में शेयर्स आएगा, जितना भी आएगा, उनके बदले में हमको कैश मिलने वाला है। मतलब 0.06666 जितना कैलकुलेटर में ले सकते लेने का, इनटू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। मालूम है कहीं तो देखा था आपने, शेयर्स ऑफ जेमिनी मेड पुट इन द मार्केट 45, मतलब 0.666 इनटू 45 करोगे तो आपको कैश उतना जो भी है। क्लियर? अब इधर आता हूं, 1,666 शेयर्स मिलेंगे, एक का वैल्यू 10 है, कितने में मिल रहा है? 35 में। मतलब 1,666 इंटू 10 16,660 आएगा। हाँ, और 16,6 इंटू 25 सर 35 में बेच रहा है, 25 रुपया प्रीमियम हुआ ना उसका, 41,650, 35 रुपीज प्रीमियम नहीं है। देखो, ऑफ 10 इच एट 35 पर शेयर, 10 रुपए का 35 में दे रहा है, तो 35 में दे रहा है मतलब 10 रुपया कैपिटल और 25 रुपया प्रीमियम होगा, समझा? तो 166 इंटू 25 किया 41,650, टोटल हो गया 58,310। बढ़िया, आधा ही पीसी हुआ। कैश भी देने की बात किया था तो 0.66 पूरा कैलकुलेटर में लेना इंटू 45, 29.9999 आ रहा है, मतलब 30 रुपया कैश। तो टोटल पीसी कितना आएगा? 58,310 प्लस 30, 58,300। डन है यहाँ तक? पक्का क्लियर? अब क्या, अब ये होने के बाद असेट माइनस लाइबिलिटीज तो करेंगे ही करेंगे, बेटा थोड़ा वॉल्यूम कम कर देना। डन यहाँ तक? पक्का। चलो, असेट माइनस लाइबिलिटीज के लिए सब असेट्स लेने का। सर वो स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट, डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो इंटरनल एडजस्टमेंट है। कोई वैल्यूएशन दिया है क्या? ये स्टॉक को इतने में वैल्यू करो, इसको उतने में वैल्यू करो, ऐसा कोई एडजस्टमेंट है क्या? सर स्टॉक ऑफ गैलेक्सी इंक्लूड, ये सब एडजस्टमेंट जब मैं बिजनेस परचेज कर लूंगा उसके बाद होने वाला है, अभी नहीं होने वाला है। डेटर्स में 2,000 उसके, 2,500 क्रेडिटर्स, ये दोनों एडजस्टमेंट आफ्टर कैलकुलेशन यानी कि आफ्टर टेक ओवर ऑफ गैलेक्सी होगा। तो यहाँ पे फिक्स असेट का वैल्यू गैलेक्सी का कितना रहेगा? पूरा 60,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, पढ़ के देखो। लोन फ्रॉम जेमिनी 5,000, डेटर्स 15,000, फिर स्टॉक 10,000, कैश है नहीं, बराबर है। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स कितना है? 15,000। लोन फ्रॉम है नहीं, फॉरेन आएगा नहीं, रिजर्व आएगा नहीं, नहीं आएगा, बराबर। टोटल ले लेंगे कितना आ रहा है? 90, इसका टोटल आ रहा है 15,000, बराबर है। 90 माइनस 15, 75, 75,000 का बिजनेस कितने में खरीदा? मतलब प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल रिजर्व हो रहा है कितना? 16,660। डन, यहां तक क्लियर? अब जेमिनी का जैसा बैलेंस शीट है वैसा का वैसा सेम टू सेम लिखने का कोई चेंजेस तो है नहीं। देखो, 1,25,000 लोन है क्या इसके पास? नहीं। डेटर्स 10,000, 15,000, 5,000। लाइबिलिटीज में लोन है, क्रेडिटर्स है, और कुछ नहीं। एक्चुअल में इसका पीसी नहीं कैलकुलेट करना है, मैंने सिर्फ इसलिए ताकि अपने को टोटल मिल सके। देखो, दोनों में जेमिनी लिखा हुआ है, खाली दो कितने असेट्स और कितने लाइबिलिटीज, बस उसके लिए वैल्यूएशन किया, बाकी और कोई रीजन नहीं, ताकि आप जब एंट्री सॉल्व करो तो आपको समझे। डन है यहाँ तक? पक्का? हाँ जी। चल आ जाता हूँ जर्नल एंट्री की तरफ, ध्यान देना। बिजनेस परचेज मेथड बोला है तो पहला एंट्री आएगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड। वेरी गुड, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ गैलेक्सी, कितने में खरीदा? 58। अब क्या क्या खरीदा? सारे असेट्स, सारे लाइबिलिटीज। कौन सा? गैलेक्सी का आएगा, जेमिनी का नहीं। तो क्या क्या आ रहा है भाई? फिक्स असेट आ रहा है कितने में? 60,000। लोन 5,000। डेटर्स 15,000। स्टॉक 10,000। क्रेडिटर्स 15,000। उसके अलावा बिजनेस परचेज किया कितने में? 58। उसके अलावा अपने को फायदा हुआ कैपिटल रिजर्व।
बराबर है बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। बिजनेस परचेज क्या क्या खरीदा मालूम है, पीसी पे करेंगे। पीसी में क्या क्या दिया है, इक्विटी शेयर्स, प्रीमियम, कैश। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स, लिक्विडेटर ऑफ गैलेक्सी टू, इक्विटी शेयर कैपिटल टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम टू, बैंक बराबर 16, प्रीमियम ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 30 रुपए कैश, डन है यहाँ तक आपका। अब जो चालू होगा वो अब मेन चालू होगा, जेमिनी का पहला एडजस्टमेंट डन, पीसी का डन, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। स्टॉक ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड इंक्लूड गुड्स वर्थ रुपीज 7,500 परचेज फ्रॉम जेमिनी लिमिटेड विच हैज अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। एनीवन जिसको इसका मीनिंग समझ में आ गया, वापस वापस मैंने सुना ही नहीं क्या बोला, ओके ओके बट ऐसा क्यों, बट ऐसा क्यों करेंगे, वही मेरा सवाल है। अब हुआ क्या, पहले गैलेक्सी और जेमिनी ने दो अलग अलग बिजनेस कर रहे थे। तो गैलेक्सी क्या करता था, सामान जब भी खरीदने का था किसके पास जाता था, जेमिनी के पास, ए भाई सामान देना। और जेमिनी क्या करता था, हाँ ना लेके जाना, लेकिन वो अपना प्रॉफिट रखता था उसके अंदर, ठीक है। तो जब भी जेमिनी ने गैलेक्सी को सामान बेचा है तो उसने अपना प्रॉफिट रखा ही है, अब उसका बिजनेस ले लिया, ये तो मेरा ही सामान है। अच्छा ये सामान मेरा, पैसा प्रॉफिट है, अब वो प्रॉफिट मिलेगा क्या मेरे को, निकाल देंगे अभी। अब उसको वापस ही किस पे वैल्यू करना पड़ेगा, जितने में खरीदा था उतने में, मतलब कॉस्ट प्राइस में, क्लियर। मतलब इनडायरेक्टली जो स्टॉक मेरे पास 10,000 दिख रहा है उसका कीमत एक्चुअल में 10,000 है क्या, इसलिए मैंने उसको पीसी में कोई कैलकुलेशन नहीं किया। अब मेरे पास आ गया तो उसका एक्चुअल जो प्राइस है वो मैं कैलकुलेट करूंगा। स्टॉक ऑफ गैलेक्सी, जो स्टॉक आया गैलेक्सी के पास से, स्टॉक ऑफ गैलेक्सी इंक्लूड गुड्स रुपीज 7,500, 7,500 रुपए का गुड्स ऐसा है जो कि जेमिनी से खरीदा गया था और उसमें जेमिनी ने कितना प्रॉफिट रखा था, 20%। चलिए ठीक है, स्टॉक प्रॉफिट बोला है कितना परसेंट, 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, ये फॉर्मूला सबको याद है, मैंने हर बार बोला है। जब भी ऐसा प्रॉफिट वाला सम आया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स लिखने का, सी प्लस पी इक्वल्स टू एस। प्रॉफिट ऑन क्या बोला है, जब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला मतलब कॉस्ट 100, प्रॉफिट ऑन सेल बोला रहेगा तो सेल 100 लिखने का, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट कितना, तो 100 प्लस 20 सेल्स कितना हो जाएगा 120, कॉस्ट 100 प्रॉफिट 20 तो सेल्स प्राइस कितना हो जाएगा 120। और उसने बोला है स्टॉक कितने का बेचा था, उसने बेचा था तो 7,500 कितना परसेंट है, तो 7,500 अगर 120% है तो उसमें से मेरा 20% प्रॉफिट निकाल के 100% उसका वैल्यू निकाल दूंगा तो भी चलेगा, या तो 20% निकालो, कितना आ रहा है 1250, तो 7,500 में 1250 कम करो कितना हुआ, तो उसका वैल्यू हुआ 6,250। अरे समझा, आते एंट्री की तरफ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक है, गुडविल कुछ भी लिखते रहे लोग, है क्या नहीं जानवी, ध्यान, स्टॉक है डेबिट, कम करने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट, कितना कम करने का, 1250, तो 7,500 में 1250 करूंगा तो 6,250 अपने आप उसका वैल्यू हो जाएगा। अरे हाँ, अब असेट का वैल्यू कम कर रहा हूं तो मेरे लिए तो नुकसान है, और जो भी नुकसान है उसे अमाल कमीशन में हम लोग कहते हैं गुडविल, इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट, समझा, हाँ याद रहेगा एडजस्टमेंट। वापस, स्टॉक जो बेचा गया था 7,500 का, उसमें 20% प्रॉफिट था, तो मैंने 20% वैल्यू निकाला, मतलब 1,200 ज्यादा मेरा प्रॉफिट था जो मुझे मिलने वाला नहीं, मतलब मेरा तो नुकसान है। स्टॉक आया था डेबिट, अब कम कर रहा हूं तो क्रेडिट, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, अब ये तो लॉस हो गया, इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट, डन पक्का मज। और एक एडजस्टमेंट, डेटर ऑफ जेमिनी, जेमिनी का डेटर, जेमिनी मतलब नया कंपनी, डेटर मतलब कस्टमर, जेमिनी का कस्टमर, जेमिनी का कस्टमर मतलब जेमिनी ने कस्टमर को उधार में सामान बेचा है,
बराबर है, मतलब जेमिनी को पैसा मिलने वाला है। टेटर ऑफ जेमिनी लिमिटेड इंक्लूड 2500 बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम गैलेक्सी। अभी मैंने बताया था गैलेक्सी और जेमिनी, गैलेक्सी को जब भी सामान खरीदने का किसके पास जाता है, जेमिनी के पास, उसने सामान खरीदा। अभी गैलेक्सी का पॉइंट ऑफ व्यू, जेमिनी का देखते क्या हुआ गैलेक्सी, अरे सामान छे मेरा, ठीक है लेके जा। तो जेमिनी के लिए गैलेक्सी तो कस्टमर है, डेटर है, जिसके पास कितना पैसा मिलने वाला है, अरे समझा। और वही बात अगर मैं गैलेक्सी, ओह माय गॉड, उसको पैसा देने का है, एनी पेबल इज माय लायबिलिटीज, मतलब वो मेरा कौन है, क्रेडिटर्स। तो गैलेक्सी के लिए वो कौन बन गया, क्रेडिटर्स, और जेमिनी के लिए वो कौन बन गया, डेटर्स। लॉजिक क्लियर? वापस वापस, मैं है जेमिनी और इधर वापस मैं है गैलेक्सी, जब इधर आया तो गैलेक्सी, इधर आया तो मैं जेमिनी है, ठीक है। मैंने उसको सामान बेचा, मेरा कस्टमर है, कस्टमर को हम लोग कहते हैं डेटर्स। ए पैसा कब दे रहा है, देता हूं सर, मतलब जेमिनी के लिए मेरे लिए वो कस्टमर है, चाहे वो गैलेक्सी हो चाहे कोई भी हो। ए 2500 रुपया दे, चल 2500 देने का ना, हाँ देने का यार, मेरे लिए तो पेबल है। अच्छा इसको देने का है, जेमिनी नहीं है, मेरे लिए वो कौन है, क्रेडिटर्स। फर्क समझो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाला मेरे लिए क्रेडिटर्स है और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाला उसके लिए डेटर्स है, क्योंकि ये कस्टमर हुआ और वहां से उसकी लाइबिलिटीज हो गए। अब एडजस्टमेंट भी ऐसे ही घुमा के दिया है, मैं सिंपल एकदम ब्रेक करके देने वाला, डेटर्स डेबिट होता है कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट होता है कैंसिल करने के लिए डेबिट, जब भी ऐसा है तो ऐसे ही करने का, डेटर्स डेबिट होता है कैंसिल करो क्रेडिट कर दो, क्रेडिटर्स क्रेडिट होता है कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दो, बस खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, डेटर्स ऑफ जर्मनी इंक्लूड 2500 बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम गैलेक्सी लिमिटेड, बट द क्रेडिटर्स ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड इंक्लूड 2000 ओनली बीइंग पेड अमाउंट ड्यू टू जर्मनी लिमिटेड, द डिफरेंस बिटवीन द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ड्यू इज ड्यू टू कैश इन ट्रांजेक्ट। 2000 ही देने का है, 2500 देने का है, 2000 देने का है, 2500 देने का है, मुझे 2500 मिलने वाला था और ये क्या बोल रहा है, 2000, तो 500 का फर्क आ रहा है, कैश इन ट्रांजेक्ट। समझ में आया, कुछ नहीं, डेटर्स होता है डेबिट कैंसिल करना पड़ेगा, क्रेडिट होता है क्रेडिट कैंसिल करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट कैंसिल करने के लिए डेबिट, या लोन वाला एंट्री सॉल्व, चलो इधर आ, क्रेडिटर्स कैंसिल किया, लोन उसके बाद था पहले सॉल्व हो गया, 2000। डेटर्स होता है डेबिट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, 2500, जो डिफरेंस है उसके लिए क्या लिखने का है, डेटर्स कितने का कैंसिल हुआ, 2500, क्रेडिटर्स कितने का कैंसिल हुआ, जो डिफरेंस है वो किधर जाएगा, कैश इन ट्रांजिट बोलो या फिर अमालगमेशन एडजस्टमेंट, क्योंकि लॉस है और लॉस को गुडविल भी ट्रीट कर सकते हो। लॉजिक इधर यही है, क्योंकि ये अकाउंट थोड़ी बनाएंगे अपन, तो ये अपने लिए गुडविल ही बन जाएगा। समझ में आया, या तो कैश में से हम लोग बैलेंस शीट में माइनस भी कर देंगे, वन एंड द सेम, ठीक है। हाँ जी पक्का, ये लोन वाला एडजस्टमेंट सॉल्व कराओ, जरा ध्यान देना। जब मैंने बिजनेस ले लिया तो मुझे मालूम पड़ा लोन टू जेमिनी, लोन फ्रॉम गैलेक्सी। अगर आप बैलेंस शीट देखो, इधर बैलेंस शीट तो दिया नहीं है, नहीं दिया, ये अमालगमेशन 5000 जो स्टैट्यूटरी रिजर्व था वो था, एक बार बैलेंस शीट दिखा दे फिर इधर आता हूं। इधर देखो लोन टू जेमिनी गैलेक्सी के इसमें दिख रहा है कि जेमिनी को कितने का लोन दिया था, और यहाँ पे लोन फ्रॉम गैलेक्सी कितना दिख रहा है, दोनों ने एक दूसरे को लोन दिया हुआ है। किसने किसको लोन दिया है, गैलेक्सी ने जेमिनी को लोन दिया था, तेरे को लोन दे रहा हूं पैसा दे देना मेरे को, मेरे लिए तो असेट था। अब उसका बिजनेस ही ले लिया तो उसको पैसा दूंगा क्या मैं, अरे तेरे कंगाल हो गया, चल तो लोन कैंसिल करूंगा, जो डेबिट है वो क्रेडिट में जाएगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट में जाएगा, जो डेबिट था वो क्रेडिट में आया और जो क्रेडिट था वो डेबिट में आया, ठीक है। ये इसके बाद करना था, आप पहले कर दिया, और फिर अमालगमेशन एडजस्टमेंट डन, जर्नल एंट्री क्लियर हुआ, बिजनेस परचेज, असेट्स और लाइबिलिटीज, पेमेंट, नॉर्मली इतना ही एंट्री होता है नए कंपनी में। इस क्वेश्चन में गुडविल का एडजस्टमेंट आ गया, ये कैश इन ट्रांजिट आया है तो किया है, अगर नहीं आता इतना ही न्यू कंपनी होता है, पक्का। अब बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे, मैंने क्वेश्चन भी बोर्ड पे रखा है ताकि विजन पूरा क्लियर मिले। ये आपका क्वेश्चन है, पीसीए, नोट्स टू अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या बनेगा? फिक्स असेट, लोन आया लोन गया, बनाने की जरूरत नहीं है। डेटा सिंगल है, डायरेक्टली पोस्टिंग। और कुछ है क्या? इधर कुछ अमाउंट था शायद, कुछ शायद आया नहीं। स्टॉक इधर लिखा नहीं, इधर स्टॉक, ठीक है। और कुछ नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दिख रहा भाई? फिक्स असेट। कहाँ जाएगा फिक्स असेट? नॉन करंट के अंदर फिक्स असेट। टैंजेबल इनटैंजेबल है, तो टैंजेबल असेट्स के अंदर कितना है? 1,85,000 बराबर ऊपर चला गया, 1,85,000 बराबर अमाउंट ऊपर चला गया 1,85,000। उसके बाद शायद ये लोन है 5,000 का, ये लोन है ऊपर, और ये स्टॉक है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है डेटर्स, कितना है? 25,000 डेटर्स। अरे सॉरी कैसा हो गया, 2,500 कम किया था, याद करो कौन सा 2,500 कम किया था सर? किया था सर 2,500 कम किया ना, पूरा असेट्स तो लिया, 2,500 क्रेडिट डेटर्स का कम किया, 2,000 क्रेडिटर्स का कम किया, स्टॉक में कितना कम किया? 1,250 कम किया। और कोई असेट का वैल्यू कम किया? लोन आया लोन गया, एक्सपोर्ट रिजर्व है वो आएगा और जाएगा। उसके अलावा अपने पास क्वेश्चन में नया क्या आया? गुडविल। अरे हाँ, या बाउंसर, अगर बाउंसर जा रहा है तो बोलो वापस से, इधर से समझाता हूँ, कुछ ऐसा मत सोचो कि नहीं सर क्या है रिकॉर्डिंग हो रहा है ऐसा, नहीं समझा तो नहीं समझा, समझ रहा है? चलो ठीक है। सबसे पहला फिक्स असेट ले लिया, इधर डाल दिया। उसके बाद डेटर्स 25,000 था, बट डेटर्स का वैल्यू कितना लिखने का? 22,500, 2,500 माइनस किया। उसके बाद है स्टॉक, कितना था स्टॉक? टोटल तुम्हारा स्टॉक मेरे हिसाब से 15,000 था। स्टॉक इन्वेंट्रीज में जाएगा, इन्वेंट्रीज में 25,000 दिख रहा है, शायद इधर 10,000 था और जो भी अमाउंट रहेगा, इधर अमाउंट दिख रहा नहीं शायद ये हाँ, तो ये 25,000 है, 25,000 में 1,250 कम किया, 23,750, ठीक है। उसके बाद शायद अमाउंट ऊपर नीचे हुआ है, कैश 5,000, ट्रांजिट आया देखो, कैश अकाउंट डेबिट 500, और पहले का कितना है मेरे पास? 5,000 कैश, 5,000 उसमें से 30 रुपया मैंने पीसी में पे किया था, तो 5,000 में 30 माइनस किया 4,970, ये तो 500 आया ना, 2,500 मिलने वाला था, सिर्फ 2,000 आया, तो 500 रुपया अपने जेब से गया। कैश अकाउंट डेबिट में 500 डेबिट दिख रहा है, कैश इन ट्रांजिट लिखा हुआ है, डेबिट मतलब आ रहा है, क्रेडिट मतलब जा रहा है, डेबिट है इसलिए ऐड हुआ है, क्रेडिट होता तो हम माइनस करते, ठीक है। उसके बाद क्या बाबा? सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना है अमाउंट क्रेडिटर्स? 33,000, 35,000 था, 2,000 कम किया, समझा ना। फिर उसके बाद क्या है? और कुछ है नहीं, लोन आया लोन चला गया, लोन की एंट्री पास नहीं करेंगे। पीसी, पीसी में कितना पीसी दिया है? 1,666 × 10 किया था, याद आया, और कोई फ्रेश इशू नहीं किया था, 1,660 × 10 116,660 बराबर। हाँ तो यहाँ पे नहीं बैठा दो बोल, हाँ वो कैश मिलने वाला है आपने, 2,500 मैंने क्या बात किया था, ये 2,500 दे अरे मैं 2,000 देगा, अब 500 रुपया मेरे को कहीं से तो डिफरेंस मिलना चाहिए ना, तो उसने बोला जो भी डिफरेंस है वो कैश है, मतलब वो कैश कहीं ना कहीं किसी ने तो दिया है, क्योंकि वो 2,000 तो दे रहा नहीं था, तो मैंने क्या बोला तेरा 2,500 मेरा 2,000 एडजस्ट कर, जो डिफरेंस है वो मैं कैश दे देता हूँ तेरे को, तो कैश इन ट्रांजेक्शन का हुआ ना वो, तो कैश 500 आ रहा है मेरे पास। शेयर कैपिटल 1,16,006 को खाली शेयर्स देखना, 1,660 × 10 ही है शायद, हाँ ये अमाउंट चेक करना। उसके बाद कैपिटल रिजर्व 16,660, उसके अलावा एक गुडविल हुआ था 1,250 इधर माइनस किया, आप गुडविल इधर दिखा सकते हो या तो इसमें से माइनस, ऐसा भी आपने किया हुआ है। उसके अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम हुआ है 41,650, स्टैट्यूटरी रिजर्व आएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व जाएगा, 5,000 आएगा और 5,000 जाएगा, और ये पहले का रिजर्व फंड जो क्वेश्चन में उसके पास दिख रहा है रिजर्व फंड 30,000, ये वाला नहीं लिया जाएगा, ये पुराने कंपनी का है, नए कंपनी का कितना है? और ये 1,16,000 कैसा है वो भी बता रहा हूँ, 16,660 था अपना
और 1 लाख ये। मैं वही बोला क्या ऐसा करेक्शन इतना क्यों आया, 1 लाख और 166 अपना शेयर था, तो 16,660 प्लस 1 लाख टोटल हो गया 1,16,660। रिजर्व फंड मेरा 30,000 जैसा है वैसे ही, और कुछ मेरे पास था क्या, नहीं, फॉरेन रिजर्व आया, फॉरेन रिजर्व गया, और इसके पास फिक्स असेट 1,20,000 वो तो अपन ने ऐड कर दिया, नथिंग एल्स डन। चलिए टोटल कर लो रिजर्व एंड सरप्लस का, कैश इन ट्रांजेक्शन का इधर आ गया, उसके अलावा शेयर कैपिटल रिजर्व का टोटल आ गया, इसका टोटल, इसका टोटल लो देखो 2,36,720 आ रहा है, और इधर का टोटल एक चेक करो। अच्छा किया तूने, मैं देख मैनुअल मिस्टेक हो सकता है इसके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे अमाउंट हुआ इसके लिए बोल रहा हूँ, बराबर। सम इम्पोर्टेंट है टी वाई बैफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टी वाई बी कॉम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। बैफ को तो सेमेस्टर 5 में आएगा, बी कॉम को सेमेस्टर 6 के अंदर है, सेम सिलेबस सेम सम एवरीथिंग इज सेम, इसके लिए बोल रहा हूँ सम इम्पोर्टेंट है, मैं वापस बोल रहा हूँ सम इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑफ दिस टू एडजस्टमेंट्स एंड पीसी का वो पॉइंट का कैलकुलेशन, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट, मतलब एक अलग कंसेप्ट है, करना तो अमाल कमीशन ही था, एंट्रीज वही थी, ठीक है। तो आज इतना ही करते हो, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।